नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ धरती के एक स्वर्ग में। स्वर्ग का नाम है सो मुरुरी लेह में। अगर आप स्वर्ग देखना चाहें जीते जागते तो आप लेह आइए, लेह से सो मुरुरी आइए और यहाँ का स्वर्ग आपका इंतज़ार कर रहा है। जगह है दोस्तों, इतनी सुंदर जगह है, यहाँ कोई भी वीडियो कोई भी फोटोग्राफ इस सुंदरता को कैच कर ही नहीं सकती। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ 10% है। ये जगह, इसका कण कण, इसका कोना कोना, हर इसका जो एंगल है वो अपनी बेहतरीन प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। सिर्फ ये जगह सुंदर नहीं है, यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की मोनेस्ट्री, यहाँ आबो हवा, यहाँ के लोग, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। आप यहाँ बस जाना चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, हमें ये शांति चाहिए। तो अगर आप शांति का इस तरह का अनुभव करना चाहें तो आप सो मुरुरी आइए। देखिए ज़रा क्या बेहतरीन, कितना प्राकृतिक सुंदरता एक जगह पे भरी हुई है। दोस्तों मुझे बताइए कि सो मुरुरी जैसी जगह पे आने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? पैसा, टाइम, शारीरिक क्षमता, आपकी बॉडी? जी नहीं, इन सबसे पहले आपको चाहिए इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है ना तो आप ऐसी जगह को कभी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों हम पैसा कितना भी कमा लें लेकिन खुद के लिए समय निकालना हम नहीं निकाल पाते, इच्छा नहीं होती। क्योंकि अगर हमने मन बना लिया कि हमें यहाँ पर आना है तो हमारी सैलरी चाहे 10,000 हो या 1,00,000 रुपये, चाहे उसके लिए हमें पैसे एक साल में जोड़ने पड़े या 3 साल में, हम आ सकते हैं। लेकिन अंदर से अगर वो तीव्र इच्छा ही ना हो कि अरे क्या करेंगे यार, देख तो लिया, फोटो में देख लिया, क्या मिलेगा, झील ही तो है, पहाड़ ही तो है, खुला मैदान ही तो है, तो ज़िंदगी क्या है फिर? ज़िंदगी क्या है दोस्तों, बताइए मुझे। जब हम इस तरह से बाहर निकलते हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता, यहाँ एयरटेल, जियो, BSNL, जी नहीं, यहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं है, आपका फ़ोन बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप यहाँ से आकर अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, और शायद आपके प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसी जगहों पर मिल सकता है। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं, लेकिन आप सो मुरुरी तक आएँ और इस पानी को ना छुएं फिर तो आना अधूरा रह जाएगा।
आपने इससे ज़्यादा सुंदर कोई झील कहाँ पर देखी है? हमारे ही देश में अगर यही झील किसी और देश के अंदर होती तो ये वर्ल्ड फेमस हो चुकी होती। दुनिया भर के लोग अपने पैसे खर्च कर कर ऐसी जगह पे देखने आते। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ही देश की करेंसी मालदीव्स जैसी कंट्रीज में लुटाते हैं, वहाँ जाते हैं ऐसी प्राकृतिक सुंदरताओं को देखने। लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ कृत्रिम है, ये एक नेचुरल ब्यूटी है, नो मैन्स लैंड। यहाँ पे आपको जहाँ देखेंगे आप खुलापन नज़र आएगा, सिर्फ जगह के नहीं दिमाग में भी खुलापन नज़र आएगा। और ये देखिए, ये क्या है, इस झील का कोई और चोर नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे कहा जाता है कि अगर इस झील का आपको चक्कर लगाना है तो अराउंड 14 दिन लग जाएंगे आपको इसके चक्कर काटने के लिए। ये पेंगोंग लेक से भी बड़ी लेक है फ्रेंड्स, और पेंगोंग लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है। लेकिन सोमोरोरी मीठे पानी की झील है। और एक और बात खास बताता हूँ, आपने शायद सुना होगा रामसर जो कैटेगरीज होती है वो दुनिया, एक तरीका है ये नोट डाउन करने का कि विश्व के अंदर जो भी मीठे पानी की झीलें हैं उनको रामसर में रजिस्टर करना होता है उसको। जैसे हम आ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसी तरह से ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मीठे पानी की झीलों का सारा हिसाब रखा जाता है, उसमें सोमोरोरी लेक शामिल है। सोमोरोरी लेक रामसर रजिस्टर में लिस्टेड है और पेंगोंग नहीं है, क्योंकि पेंगोंग जो लेक है वो सॉल्ट वाटर लेक है और सोमोरोरी एक स्वीट वाटर लेक है। फ्रेंड्स जरा इस पानी को देखिए, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर पानी है। इस पानी के अंदर से आपको सारे पत्थर नजर आ रहे हैं। और आपको एक अद्भुत चीज दिखाता हूँ, ये एक ही झील के अंदर देखिए दो कलर, जो किनारे वाला एमरल्ड ग्रीन जिसको बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये ब्लू कलर, उसके बाद ये माउंटेन्स और ये स्नो। सुबह का वक्त है तो ये पानी बिल्कुल चमकीला ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे ज़रा एक बार निगाह डालिए इसके ऊपर कि कितना सुंदर ये जो ब्लू कलर है, मतलब ब्लू के जितने शेड्स हैं वो ये जो लेक है आपको यहीं पर दिखा देगी, जैसे सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को भी मतलब पानी आपको लगेगा यार कैसे आप एक जगह बैठे रहिए और इसके जो लेक के बदलते हुए रंग को देखते रहिए, कमाल है, अनुपम सुंदरता है इसकी। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सोमोरोरी से निकलना पड़ रहा है और एक अच्छी जर्नी का आज एक तरह से मैं अंत तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यहाँ बार बार आऊँगा। सोमोरोरी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर एक बार आके आप बस दी एंड कर दें, ये ऐसी जगह है जो अपने आप आपको बार बार बुलाएगी। ये एक स्वर्ग है, जैसा मैंने बार बार अपने वीडियो में बोला है, जो लोग यहाँ पर आएंगे वही इसकी सुंदरता को अपने अंदर तक ले सकते हैं, इसको इम्बाइब कर सकते हैं कि कितनी सुंदर जगह है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो सोमोरोरी है वो एक्सट्रीम वेदर में रहता है, मतलब यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है वो 4 महीने का है, अप्रैल एंड में शुरू होता है, मतलब मई जून जुलाई और अगस्त, और सितंबर ऑनवर्ड जहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है और उसके बाद बहुत एक्सट्रीम और चिली विंटर यहाँ पर होने लग जाती है। सो सोमोरोरी से निकल रहे हैं दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हे थे और सबसे जो मेमोरेबल ट्रिप अगर मैं अपनी लाइफ में किसी का कहूँगा तो वो मेरा सोमोरोरी रहेगा। मज़ा आ गया रियली, मैं आई एम फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट। सो तो दोस्तों इच्छा शक्ति बनाइए और चले आइए सोमोरोरी लेह में।
ये एक ऐसा स्वर्ग है जो आपका इंतजार कर रहा है और आपके जीते जी आप इस स्वर्ग को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आई रियली लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।